Some more breaking news coming in on the broadcast. A massive landslide has been reported in Chamoli in Uttarakhand, and the Badrinath Highway has been blocked due to the landslide. Remember, there have been several landslides reported recently from the area amid heavy rains. The visuals are on the screen of the landslide due to which the Badrinath Highway has been blocked. And remember, there have been several instances and several landslides reported recently from the same area amid heavy rains. On that note, I'm joined by my colleague Abhishek with us on the phone line. Abhishek, Badrinath Highway landslide के बाद highway एक बार फिर block किया गया है. आप इस पर हमें और जानकारी दें. देखिए, 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब छिनका जो चमोली नेशनल हाईवे पे एक जगह पड़ती है वहां दोबारा से मलबा आने के कारण एक बार फिर हाईवे ब्लॉक हो गया है, जहां पर कई हजारों की तादाद में लोग फंस गए हैं. लोग इधर चार धाम यात्रा चल रही है और बद्रीनाथ के लिए जो सफर करने वाले यात्री थे वो फंस गए हैं एक बार दोबारा से, और उसका इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासन कब तक इसे मलबे को हटाता है और यात्रा दोबारा से सुचारू हो पाती है. ये 24 घंटे में दूसरी घटना है जब इसी क्षेत्र में दोबारा से मलबा आया, जिसकी वजह से सरकार और प्रशासन के अधिकारी भी चिंतित है, क्योंकि छिनका एक नया स्पॉट बना है. देखने में आ रहा है कि जहां पर ये दोबारा घटना हुई है, जिसके बाद से वहां पे जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और लगातार वहां से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कितने समय में ये मलबा साफ होता है और यात्रा दोबारा से सुचारू शुरू होती है. जी अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए.